बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर सियार एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक। नए शॉपिंग ब्लॉग के साथ कहो। नए शॉपिंग में? हाँ। वो क्या बात है जी। तो अब पहले चलते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं, और दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। ये रो रहा है। क्या हाल चाल है भाई? ठीक। क्यों परेशान हो? क्या पार भी? अच्छा, ये आज बेचारे को ना इतने दिए ना, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो आज थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। इसको पार्क याद आ गया। इसको ये दुख है कि हम लोग गए थे तो इसको लेके नहीं गए, तो भाई अब इसको घुमाने ले दो। आज मौसम वाला है, इसको बाद में इसको असल में मौसम रोमांटिक है तो वो बेचारा रोमांटिक हुआ हुआ है। असल में ये रोमांटिक नहीं है, ये मैं तो शॉपिंग करनी, मैं कोई नहीं घूमना फिरना। ये कब से रोमांटिक कोई फिरती है? मैं सिर्फ शॉपिंग करनी। शॉपिंग ये मतलब इसको क्रेज चढ़ा हुआ है कि शॉपिंग कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। नहीं, शॉपिंग मैंने जरूरी करनी, मैंने दालें लेनी है, मैंने इस तरह के दूसरे मसाले लेने हैं। हाँ, वो तो लोग अपने क्रॉकरी वगैरह लेनी है तो वो ले लो। हाँ। उसका तो मुझे कोई मैं अपनी भी क्रॉकरी लेनी है। तेरी क्या क्रॉकरी होती है? मेरी जूते का। अभी ब्लॉग शुरू ही नहीं हुआ, जूते देखो। अच्छा जी, आप शुरू कर लो। सलाम दो आप कर रहे थे। मैंने कर लिया। अब आप बीच में आपने टपक पड़ी हो, कहो टपक पड़ी हो तो फिर टपको भाई। हाँ भाई, आज आप हमें कुछ भी कह लो हम बुरा नहीं मानेंगे आपकी बात का। ऐसे ही? हाँ जी, जी कहते हैं जी। तो क्या है अब मूड? शॉपिंग शॉपिंग कोई शॉप झूले झूले। आपसे किसने पूछ के शॉपिंग करनी? पार्क झूले। पार्क में झूले तो है नहीं वहाँ पे? नहीं है। स्लाइड है अभी ये। ना असल में ना आप लोग शोर होते हो ना, शॉपिंग से इनकार करते हो। ये आप लोग खुद नहीं करते, ये आपको शैतान करवाता है कि आखिर मियां बीवी में झगड़ा भी उसी ने करवाना होता है ना। आप लोग अगर हाँ करो ना तो कभी लड़ाई भी ना हो, घर हंसते बसते रहे। सदके सदके। ये जब इनकी बारी होती है ना, जब बंदा फिर इनसे फरमाइश कर ले किसी किस्म की भी, घर से रिलेटेड खाना पीना ये वो, तो यार हाजिर कर देती है ना। बंदा सच्ची दिल करता है ना, बंदा यहाँ से कुछ उठा के ना सीधी मार दे। हाँ जी, ये मुझे एक दफा हुक्म देके तो देखें, मैं सर के बल इनके काम करूंगी। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इंतहाई झूठी औरत है ये। कभी भी नहीं, कभी भी बस जो भी इससे मैंने गोभी बनवा के खानी है तो पहले गोडे गिट्टे पकड़ने पड़ते हैं। किसके? गोभी के? कहते गोभी के गोडे गिट्टे, गोभी के गोडे गिट्टे नहीं होते। इस बंदे से अगर मैंने जुए तो इसे कहना का सर की जुमे देख दे। बिस्मिल्लाह, सर रखो गोद में। मुझे देखने को बड़ा शौक है, बड़ा शौक है। मतलब नहीं करेगी कोई काम, अपने मन होगा तो करेगी। अब अपना मन बैठा बैठा जो शॉपिंग का, जब शॉपिंग वो खवातीन करती है जो शोरों की ताकतदार भी होती है। आप तो आंखें निकालती हो, ऐसे आंखें निकाल के बंदे को पड़ जाती है। ये तेरी औलाद भी ऐसे साथ दांत निकाल रही, आंखें भी निकाल रही। सच की कदर करनी चाहिए। वैसे इंसान सच्चा इंसान वही होता है जो जालिम के सामने भी हक सच बोले। भाई मैं नहीं करनी, बस मैं पता क्या ना, एक तो पैसे पहले शॉर्ट है, दूसरा शॉर्ट है या लॉन्ग है, हमने शॉपिंग करनी है। इन्होंने ना मुझे वो दिखाया था, वो क्या कहते हैं बताओ ना, क्या वो जो वो एडवेंचर वाला दिखाया था आपने मुझे, वो ये ना मुझे इस्लाम नारान में इन्होंने ना मुझे वो दिखाया, वो मूवी सी जो राइडिंग जो होती है ना। हाँ। राइड नहीं होती है, आप जो अक्सर वीआर राइडिंग होती हाँ। है। कहते हैं अगर आप ना डरी, मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख वो ना मोशन राइड थी। हाँ। उसमें मार मार के बाहर निकल रहे थे वहाँ से। उसमें मतलब वो राइड करता है ना तो वो जैसे 3D होती है, मतलब अपनी तरह चीखे सुनवाना, लेकिन इतनी पक्की ढीठ है। मैंने मजे की होती नहीं, और मजे की क्या, आप बताओ वो क्या करती थी? उससे ज्यादा लगा था मुझे वो जो वो लिफ्ट चेयर थी। वैसे उससे तो आपको पता था सच्ची मुच्ची की गिर गई तो मर जाऊंगी, फोर्थ होने वाली थी मैं उस पर। मैं समझी बड़ा डर, मैंने एक आंख बंद की रखी,
बल्कि दोनों। फिर जब वो शुरू हुई मैंने कहा पता क्या धमाका हो जाए, फिर कुछ भी नहीं हुआ, मैंने एक आंख खोली, फिर जब थोड़ी बहुत मैंने दोबारा आगे देखा, फिर मैंने दोनों आंखें खोली, फिर मैंने आंखें फाड़ फाड़ के देखा और ये चीखी मारी जाए मेरे साथ बैठे हुए। बड़ी ठीक है, मैंने कहा ये ऐसी बीवी होती है कि बंदा ये चलो शोर से नहीं डरती, ये बलाइयां शलाइयों से डर जाएगी। पूरी कोशिश थी ये मुझसे नहीं डरती ना, तो ये इससे जरूर डरे। फिर कहते मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख मैंने बड़ी शर्त लगाई। हाँ। तो उसके बाद तो मैंने ये सोचा कि कभी इसको डराना ही नहीं है, जब ये डरती नहीं है तो डराने का कोई फायदा ही नहीं है। खुद करे भालू आया उससे भी डर गए इतना ना। वो इसमें एक सांप था बड़ा असधा था बड़ा। हाँ, उसमें वो एनाकोंडा एनाकोंडा था। हाँ। वो ऐसे इससे बड़े बड़े एनाकोंडा देखे वो क्या वो एनाकोंडा था ना, वो जरूरत में आपको बताऊं, वो ना ऐसे आगे से आता था, लगता था कि बंदे को खा रहा है। हाँ, वो मुंह पे आ जाता मुंह पे आ जाता था यूं ऐसे बिल्कुल तो मुंह ऐसे करके। तो ले देखे एनाकोंडा ड्रामे बाद बड़ा दिल मेरा था कि मुझे ये दोबारा ले जाए, और उधर रात को कोई बच्चा कर रहा है आपका उस ड्राइंग रूम में। वो कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से ये शॉपिंग भी नहीं, अब शर्त भी नहीं पूरी कर रहे आप लोग। नहीं नहीं शॉपिंग नहीं करनी, बहुत फजूल खर्चे होंगे आपके। सारी शॉपिंग में नाराज थी, इनकी शॉपिंग की मैंने आपने नहीं की। मैं जरूरी शॉपिंग करूंगी, कोई जरूर शॉपिंग बस देख लो फिर क्या कर देगी। मैं वो करूंगी जो आपको पता भी कोई नहीं है। मैं भी नहीं डरता आपसे, मेरी भूल है। मैंने इनको एक्सपोज कर दिया है। मैंने कौन सा मैंने लिखना ढोंगी झूठा और नाराज इंसान मिंटो फैमिली व्लॉग फुल एक्सपोज वीडियो सबने देखनी है आपने, वो मिलियन से ऊपर चल जानी है मेरी वीडियो मिलियन। हमें क्या एक्सपोज करेगी आप, हम खुद ही एक्सपोज हैं। मैं ऐसे एक्सपोज हूं तो क्या करूं। अब देख लो अगर आप एक्सपोज होने से बचना चाहते हो तो शर्त मान लो। नहीं नहीं तू रहने दे, कोई देख लो फिर आप फाइनल फैसला कर लो क्या करना। मेरे पास आपकी बड़ी बातें हैं, मैंने एक तो वो लस्सी वाली बात सबको बतानी है। अच्छा। और वैसे भी सबने पूछा है कमेंट्स में, और वो लस्सी वाली बात ऐसी है ना, अगर मैंने आप लोगों को बताई तो आप सब लोगों ने ना हंस हंस के पुट्ठे हो जाना, पुट्ठे हो नहीं जाना, तो सवर को शेम शेम कर देनी है कि ये वाकई एक्सपोज हो सकते हैं लस्सी पे। और ये लस्सी पे वो एक्सपोज बंदा होगा जो चैनल चला रहा है, यूट्यूब पे काम कर रहा है। तो ये ना कहना कि मेरी बेगम ने इस औरत ने मुझे एक्सपोज कर दिया। अच्छा एक और बात है, मैंने ये ना एक बंदे से बहुत इम्प्रेस है और उससे इम्प्रेस होके ना ये शादी भी कर सकते हैं दूसरी बल्कि दूसरी नहीं, दूसरी नहीं। पहली पहली हाँ। तो ये देख लो, ये देख लो इनकी शक्ल। हाँ। देखे कैसे शर्मिंदा हंसी हंस रहे हैं। अच्छा पांव को दबाओ, देखो मैं इनकी कितनी खिदमत कर। ये आप कैमरे के सामने कर रही है। सूरज इधर दबाओ पांव, पागल कैमरे के सामने खिदमत करते हैं। पकड़ ये समझा रही है माँ बेटे को, वो तो नहीं मानेगा कभी भी। ये देखें यहाँ भी ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये हमसे घर का सारा काम करवाते हैं, हमारा कहना भी नहीं मानते। ये पता है आप लोग बताना, आप लोग शहरों में कैसे अपने बच्चों को हर वीकेंड पे घुमाने ले जाते हैं, यहाँ बेचारे बच्चे रुलते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, हमें ले जाओ। और इस बंदे पे टस से मस नहीं होता, ये अभी से एक्सपोज हो रहे हैं। सच मुझे मैंने एक्सपोज वीडियो बना देनी, मैंने बड़ी वीडियो देखी हुई है हर कोई। हाँ नहीं आप घुमाने तो मैं ले जाता हूँ उनको, अभी बड़ी धूप निकली हुई है। नहीं नहीं मौसम अच्छा है, चलो फिर जाओ उठो, हमेशा हम गाड़ी चला के भी ले जा सकते। मैंने तो आपको कहा सीख लो। सीख ले नहीं, मुझे आती है, मैं हवाई जहाज भी उड़ा सकती हूँ। शोहर को उड़ा नहीं सकती, हवाई जहाज उड़ा लोगी। शोहर तो वैसे ही उड़ा हुआ है ना। मैं आपको समझा रही हूँ बुरे अंजाम से डरो, बुरे अंजाम से। हाँ जी बीवी से पंगा नहीं करते, ठीक है ना। जुए हैं से नहीं, आप पढ़ती नहीं है जुए, आपने पढ़ानी है और क्या। चलो आप मेरे वो पीछे पीछे तो रहोगे कि जुए देखो हैं। हाँ। मैं भी कहूँगी मेरा शौहर मेरे पीछे रहता है, है? बाल बड़े सिल्की हो गए हैं, क्या शैम्पू लगाया है? बस ये आपकी मोहब्बत में हो गए हैं।
नवाज है, चलो आप शॉपिंग भी करवा दो। बस नहीं नहीं वो मोहब्बत तक है, शॉपिंग तक की बात नहीं है। बस मुझे शॉपिंग होती है जब बंदे की शादी नहीं होती ना, फिर बंदा अपने मंगेतर को शॉपिंग करवाता है, अपनी महबूबा को शॉपिंग करवाता। अब ना महबूबा रही, बस बीवी खड़ूस रह गई हो, अब शॉपिंग क्या करना। मैं ना मजाक आती नहीं हूँ, मजाक ना सुनने की ना करने की, ठीक है ना। मुझे शॉपिंग करवाओ। नहीं मेरा आज कहीं भी नहीं जाना। नहीं हमारा जब आज मूड बना हुआ है हमने शॉपिंग, जब हमारा मूड बनता तो आप क्या करते पता है? हट जाओ पीछे, हट जाओ पीछे। ये ना ऐसे ढीठ की लस्सी वाली बात बता देनी है। मतलब बता दो, आपने बेइज्जती होनी है ऐसे शोर से शादी की है जिसकी लस्सी वाली बात बता दी। हाँ देख ले, ऐसे शोर है लस्सी वाली बात होती है। हाँ फिर मैं आपके बच्चों को भी बता देनी है। हमारे बच्चों को तो शायद पता लग ही जाएगा। हाँ इनको बड़ी शर्म आती है वो बात लस्सी वाली याद करके। कौन सी? वो सभी के साथ होती है, हर बंदा। आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाक्य होगा जिसको आप बताना नहीं पसंद करेंगे। तो मेरे साथ क्या ऐसे था? मेरे साथ ऐसे नहीं था बल्कि हमारे पूरे के सभी के साथ ऐसे। अब मुझे भी बाय चांस किसी ने बताया था। किसी ने बाय चांस बता दिया था शादी से पहले। तो शादी हुई तो पहली रात में कुछ लस्सी वाली गल केड़ी है इन कहता सी लस्सी वाली गल। आप लोगों को बकायदा एक पूरी वीडियो में लस्सी वाली बात को बताऊंगी, इनको एक्सपोज करूंगी। एक्सपोज कर आप क्या, जब मैंने एक्सपोज करना ना मेरी बेइज्जती हो जानी है फिर। हाँ इसलिए मैं कर नहीं सकता। तो बस आप शॉपिंग करो, नहीं ज्यादा करती मैं, घर का सौदा ले। हाँ घर का सौदा तो ले देता हूँ, लेकिन कपड़े जूते आज से इसके बंद। इसने बड़े नखरे कर लिए हैं, ये इतनी चौड़ी हो गई थी, इतनी चौड़ी हो गई थी कि बस अब मैं बड़ी मुश्किल से फिर इसको ना लेके आ रहा हूँ वो राय रास्ते पे। हाँ नहीं नहीं पहले ये खुद ही ले आते थे, अब तो ये मैं मांगती हूँ तो फिर ला के देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बंदा ये होता देखो ना, बंदा मैं फर्स्ट बंदा मैं बंदी हूँ। हाँ बंदी है ना, शॉपिंग करवा रहा हूँ इनको, मतलब इनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इनकी मर्जियाँ कर, जो दिल करता ये करते हैं, सारा कुछ इनकी ख्वाहिश आई। ऐसे सजा देनी चाहिए जो ज्यादा बोले। कानों के बाल खींचो बड़े। नहीं ये कहीं भी नहीं है बाल आपको। बस खैर मतलब सारे मैं इनकी ना कैश वगैरह सारी पूरी करता, कोशिश भी करता था मैं खुद ना पहनूं, इनको लेके देता था, बच्चों को लेके देना। बच्चों को तो खैर वैसे हक बनता है, बीवी की तो खैर है, बीवी का हक नहीं बनता। ये इधर सुन ले, ये है वो पढ़े लिखे मर्द। अच्छा तो जब ना मुझे कोई इनसे काम पड़ता था ना, कोई भी किसी किस्म का भी, तो इसकी ना आंखें, मैं इनके पांव धो दो। नहीं वो मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी मशहूर बात है, गिद्दड़ पादी लौट के गिद्दड़ दरख्त चढ़ गया। गंदे लोग कहेंगे कितनी गंदी बातें करता है। ऐसे ही है मतलब ना इनके, इनसे मुझे किसी किस्म की कसर, ये तो दरख्त पे बैठ जाती थी ऐसे। मैंने कहा लैब आपने मुझे गिद्दड़ बना दिया। नहीं नहीं मतलब सीधी सी बात है, ये कौन सी बात, मेरे फिर पट्टे खींची जा रही है। आप बोलो बड़ी सजा। इनको क्या कहते हैं, इनको भवे खींची जा रही है। आई आओ खुद अब खींच रहे, मजा आता ना खिंचवा के। नहीं नहीं बड़ी गुदगुदी सी होती है। खैर अब ना करना, पहले बड़े खींच लिए आपने। अच्छा तो मतलब बंदर करता बंदर बताओ शॉपिंग ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? बोलो चुंडा मैंने मारा है इतना खाली हो जाएगा ऊपर से। बोलो ले जाओगे हाँ या ना? सुरेश बचा ले बचा ले, मैं तुझे पार्क में लेके जाऊंगा पक्का। जल्दी बोलो हाँ या ना? बचा ले, खींचना नहीं है बच्चा, ऊपर से फुला खींचना नहीं है। ओह हाँ मेरा बेटा, आपको बच्चे ने बचा लिया, शुक्र करो। ये मेरा अच्छा बच्चा है सबसे। सुरेश तो देखो वो वहाँ पड़ा है, ये देखो ये नहीं आया, किसी भी करो मेरे बेटा। ओह इधर से इधर से वेरी गुड, किसी में इधर से भी। अब तो मेरे को हाथ लगा, तेरे को मेरा बेटा पूछेगा ऐसे ना। हाँ वेरी गुड, ये मेरी वो बटालियन है जब मेरी एक आवाज पे आ जाती है तो बम बरूद के साथ, ये आज आपके साथ हो गई है। हाँ पार्टी बदल गई ना। क्यों कोई शहर की मेरी पार्टी में है ना। माशाल्लाह से जी ये हमारे यहाँ आज चावल बने, दाल चावल साथ में अचार है। ये दाल का पटोला भरा पड़ा है, ये खाई जा रहा है। हाँ बैठ लो, बैठ के खा लो। नीचे ही बैठ गया। अच्छा चावल है यहाँ पे, चावल बस इतने ही बनाए हमें काफी हो जाते हैं। हाँ जी फिर बच जाते हैं, फिर कोई खाता भी नहीं है। तो ये सलाद है,
और उनका तो पेट भर के खाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा खाती हूँ, ये इतना खा पी के कोई खुशखबरी वाली कभी बात ना करना है। खुशखबरी है। अच्छा।